बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। अच्छा, मैंने आप लोगों को दिया था अभी बेसबॉल का बैट, आपने बनाना है किस तरीके से बनाएंगे। सिंपल चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ थी भी नहीं वो, तो बना दूंगा सर। बस कर दे, बस कर दे, बना दे, बस कर दे। मैं मुझे बोलने तो अच्छा, मैंने आप लोगों को दिया था बेसबॉल बैट, आप लोगों ने क्या किया, दे चार सवा चार शुरू कर दिया और आप लोगों ने बस शुरू कर दिया कि लो जी बस ठीक है। टोपोलॉजी को भी छोड़ दो, एक दूर की बात है। आइंदा आप लोगों की हरारकी पता क्या होगी, आइंदा आप लोगों की हरारकी ये होगी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको खोलना है और इसका रेफरेंस निकालना है। ये रेफरेंस आया आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इसको आपने कर देना है सेव, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पर, फिलहाल डेस्कटॉप पर आ गया। मैं ले रहा हूँ एक प्लेन और हम लोग ने उसको सेव कर दिया यहाँ पर। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पिक्चर की रेजोल्यूशन देख लो क्या है, ठीक है। डिटेल्स हैं, ये इसकी है 690x280, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 690 कर दो। ये है 280, 690 मॉडलिंग कर रहे हैं वो, फिर हम करेक्टर के हिसाब से बना लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, आप लोग प्रो बने हैं लेकिन इतना प्रो ना बने आप। अच्छा, मैं आपको कुछ ना ये रीसाइज टूल के हवाले से बता दूंगा। रीसाइज टूल को अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये आपके एक्स और वाई से प्रोपोर्शनली तौर पर छोटा बड़ा करेगा। मैं टी पॉट बना लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको पकड़ा तो ये देख रहे हैं ये किस तरीके से इसको, ये एक्स और वाई को छोटा बड़ा कर रहे हैं। अगर आ रहा है आपको, हाँ, तो आपने उसको सेंटर से पकड़ना है ना। अक्सर ये होता है कि आपने इसको सेंटर से कर रहे हैं और इस तरह नहीं हो रहा है, आपके साथ अक्सर होता है ये वाली कंडीशन होती है आपके साथ, ये वाली। आपने इसको यूं कर रहे थे, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे रीसाइज टूल के अंदर सिलेक्ट स्क्वैश, इसको आपने सबसे पहली ऑप्शन पकड़नी है। ऐसे आते हैं, ये लिखा हुआ इफेक्ट पिवट ओनली, आपने जाना है हायरार्की में इफेक्ट पिवट ओनली और इसके बाद आता है सेंटर ट्रू ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने इफेक्ट पिवट ओनली बंद कर देना है और इसके बाद आप जो चाहे उसके साथ करें, जो दिल में आ रहा है करें इसके साथ, ठीक है। फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और इसकी जो बेस है मैं इसकी बेस के साथ लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पर आगे चलें इसके साथ, हमारे पास है कि सिलेंडर, सिलेंडर को हम लोग बना रहे हैं और अब हम आ रहे हैं वापस फ्रंट पे। ऑल टेक्स करूँगा, एक्सरे व्यू करूँगा और F4 से मैं इसकी एक्सरे ऑन कर दूँगा और अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है, ठीक है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली। सोच के आया ना क्या क्या खिलाना है आज, महमूद तो रोज सोच के आता है, महमूद की तो क्या बात है, प्रो बंदा है वो हमारा, ठीक है। हमने काम आसानी से करना ही नहीं है, ऐसी की तैसी।
ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये जहन में रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नहीं डालूंगा ज्वाइंट यार मैं, यूँ भी कर सकते हैं और वापस पैसे करके चैम्फर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इस तरह कर्व होता है, कर्व होने की इसकी वजूहत ये हो सकती है। हमने बोतल बनाते हुए आपने यस महमूद भाई जो है ना हमारे कमाल बंदे हैं, ठीक है जी। लेकिन बात ही यहीं ख़त्म नहीं होगी आज, हमने इंशाल्लाह ताला इसको टेक्सचर भी करना है। वो खुश हैं अब आप लोग मेरा काम करें ना करें, लेकिन मैं तो आप लोग का काम कर दूँ ना, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, मैं खुश हूँ। अच्छा हाँ जी, कितना मुश्किल था, कुछ शर्मिंदगी कोई शर्म आ रही है, आ रही कह रहा आ रही है। चलें ठीक है यार, आसान आसान चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, टेक्निक्स होती हैं, आप जिस तरह कर रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप पजल हो गए ना, उसमें आप फंस गए, ठीक है। इसके अंदर आपके फंसने के चांसेस नहीं हैं। अब हमने देखना है कि हम इस बेसबॉल बैट के अंदर कर क्या क्या सकते हैं। अब ये हमारे पास है ग्रिप वाला पार्ट, ठीक है, मैंने इसको वहाँ जाके ग्रिप बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एडिट पॉली पर जाऊँगा, ये मेरे पास एक ग्रिप वाला एरिया है, ये मैंने ग्रिप बना ली है, ठीक है। अच्छा ये टेक्सचर ही ग्रिप का होगा, यहाँ पे मैंने इसका एक शार्क, उनका बड़ा फेमस बेसबॉल बैट है, बेसबॉल बैट शार्क में, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हम लोगों ने इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शार्क टेक्सचर, फिलहाल मैं पॉज कर लेता हूँ क्योंकि ढूंढ सब वही है, इसको आप पहले क्लियर करेंगे, अनरैप, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली, इसके बाद आप जाएंगे ज्योमेट्री के राइजोम में, राइजोम में आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अनरैप करना शुरू करेंगे।
बेसिकली ये अल्फा जाएगा, ऐसा अल्फा जाएगा ये, इसको आप ऐसा टेक्सचर भी लेके जा सकते हैं, अल्फा मैं प्रेफर करूँगा। डब्ल्यू प्रेस करेंगे आप और ये बैकग्राउंड आपने इसका रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ये अल्फा होता है ब्लैक एंड वाइट में, आपने क्या करना है ये लेयर को लॉक करना है, कलर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आप कर देंगे वाइट, ऑल डिलीट कर देंगे, न्यू लेयर लेंगे, दोबारा आएंगे, जेट ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ये आ गया आपके पास अल्फा आपने बना लिया। ठीक है, इसका जो साइज़ है इसका कर देंगे 1024। हाँ जी, हम अल्फा मैप पढ़ने वाले हैं असल में ना, आज मैं आज पढ़ना ही अल्फा मैप है। वेलकम टू द सब्सटेंस पेंटर। ओके, सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ वुड, मटेरियल पे हूँ मैं, सिंपल मटेरियल है, यहाँ पे क्लिक किया ये मटेरियल है, ये मैं वुड पे क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने लेयर में फेंक दिया। ठीक है, तो ये ग्रेन्स आ रही हैं आपकी इस तरह, तो हमें कैसे चाहिए, हमें चाहिए यूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में जाने के बाद रोटेशन, रोटेशन में कर देंगे 90। ठीक है जी, बन गए। इसके बाद अगर आपने कलर डल करना हो, कलर आप डल कर लें। ठीक है, देन अब आपने क्या करना है, यहाँ बनानी है लेदर ग्रिप, तो आप क्या करेंगे, आप एक और लेंगे, लेदर। ठीक है, लेकिन ग्रिप हमारी होती थोड़ी रफ टाइप की, थोड़ा हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि ये ग्रिप उस सूरत में कैसे आएगी और उसको बनाना कैसे पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे आर्टिफिशियल लेदर को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, आ गए द लेदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो एक हम ले रहे हैं एड ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क के बाद मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी जगह है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस ग्रिप के लिए जगह बनाई हुई थी वो ये थी। ठीक है, ये यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी ये बन गया, लेकिन अब ग्रिप के अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे चढ़ती है लेदर वगैरह, वो बनाने का तरीका क्या, थिकनेस या कोई ना कोई डिज़ाइन होता है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर इसको ग्रिप लाइक दिस, ग्रेन्स आ रही हैं इसमें, ग्रेन्स आ रही हैं इसमें, ये चीज़, तो ये हम लोग किस तरह बनाएंगे इसके अंदर,
उसका बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग करेंगे, एक लेंगे नई लेयर, न्यू लेयर के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कर देंगे, इसका जो कलर है वो हम कर देंगे थोड़ा डार्क साइड पे। डार्क साइड पे करने के बाद हम जो इसकी हाइट लेवल है, ये बल्कि हम इसको कर देंगे रेड में, ताकि आपको नज़र आ जाए, बाद में हम जाके कलर इसका चेंज कर देते हैं। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर इसको कर देंगे ब्लैक मास्क। अब हम लोग फीचर यूज़ करने वाले हैं आप सब्सटेंस पेंटर के, जिसकी खातिर आप लोग सब्सटेंस पेंटर यूज़ करने लगे हो। देन अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एड फिल। अब ये फिल लेवल यहाँ पर आ गया। अब ये कहता है ग्रे स्केल जो भी डालना है वो डाल दो। ये ग्रे स्केल है कहाँ पर? ये ग्रे स्केल आपके यहाँ पड़े प्रोसीजरल में, ठीक है? ये डाल देते हैं, ठीक है जी। स्केल इसका आप बढ़ा देंगे 15, या आप इसे कर देंगे 25। ये चाह रहा था मैं, ये वाला, ये होता है आपके पास, ठीक है? हाँ जी, इतना काफ़ी है प्रोमिनेंट करने के लिए। अच्छा, अब रेड, अब आपको नज़र आ गया कि असल में काम क्या हुआ, तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके चले जाएंगे डार्क, ठीक है जी, थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन कलर हम लोग थोड़ा सा सेपरेटली ही रखेंगे। और इसकी जो है हाइट, यह है हाइट लेवल, आपने क्या करना है, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है जी। इसके अंदर लुक एंड फील आना शुरू हो गई है, अब फुल नहीं बनाना, थोड़ा सा बिल्कुल माइनस से कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे आप, ठीक है, यूँ कर दें, इतना इनफ। रफनेस है इसकी, रफनेस आप थोड़ी सी ज़ाहिर है बढ़ाएंगे, क्योंकि लेदर के अंदर रफनेस होती है, अगर ये वो उसमें आएगा, इसकी रफनेस कम होगी तो फिर ज़ाहिर है स्लिप होगा हाथ से। इसके बाद हमारे पास मेटेलिक है, क्योंकि ये मेटल का नहीं है, लिहाजा मेटेलिक ख़त्म कर देंगे। नॉर्मल हमने यूज़ ही नहीं किया, एंटी स्लॉपी एंटी लेवल हमने यूज़ ही नहीं किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे। अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें तो ये ऐसा चाहिए, ये इसने सब पे अप्लाई कर दिया है, मास्क इस पे तो इसमें ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, मास्क के मास्क कैसे लगेगा? हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा एफिशिएंट वर्क करेंगे हम। हम लोग ने ये करना है कि हम एक लेंगे एम्प्टी फोल्डर, इसको और इसको, ये लेदर है, इसको उठा के फोल्डर में रख देंगे, फोल्डर को मास्क करेंगे अब हम, ठीक है जी। और वापस हम लोग आ जाएंगे अपनी उस दुनिया में। ये ले जनाब, ये लेदर आ गया आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने लगाना है अपनी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग लगाने के तरीका कार ये है कि आपके पास जो ब्लैक शार्क का जो ये अल्फा था, हम लोगों ने जो करवाया था, वो मैंने ये पॉलीगॉन सिलेक्शन ली भी ना, ये अल्फा उठाएंगे, इसको हम लोगों ने डाल देना इंपोर्ट। अब ये पूछता कि आपने जो इंपोर्ट करवाया है वो क्या इंपोर्ट करवाया है, ताकि जो चीज़ आपने इंपोर्ट करवाई है मैं उसी की लाइब्रेरी में जाके फेंकूँ, ठीक है? होगा ये कि आपने अनडिफाइंड पे क्लिक किया, आपने करना है अल्फा, हमने इम्पोर्ट करवाया तो हमने इसको अल्फा करना है। अगर टेक्सचर इम्पोर्ट करवाएंगे तो आपने टेक्सचर करना है, ठीक है? हमने करवाया अल्फा, अल्फा इंपोर्ट करवाने के बाद हमने इसे कहना है कि शेल्फ में फेंकना है या आपने इसमें फेंकना है। अगर ये अल्फा इसी प्रोजेक्ट में यूज होगा तो आपने इसको इसी में फेंक देना है, यानी कि आप सेंटर वाले को क्लिक करके प्रोजेक्ट में फेंकेंगे। अगर आपका ये अल्फा कहीं पे कई कई जगह पे यूज होगा तो फिर आप इसको शेल्फ में ही लेके आओगे। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ शेल्फ में, और इसको करवा रहे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट जैसे हम करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया जगह पे शार्क अल्फा। अब अल्फा लगाने का तरीका कार यह है कि आप लेंगे एक फिल लेयर। फिल लेयर लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे क्लिक करेंगे, और इसे करेंगे आप ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क करने के बाद अब आपका ब्रश का काम है, अब आपने इस शार्क के ऊपर क्लिक करना है, और ये अब आपके पास आ गया, ठीक है जी। आप F3 प्रेस करें, बेहतरीन तरीका ये है कि आप F3 प्रेस कर लें, कंट्रोल प्रेस करके आपने अप एंड डाउन करेंगे तो राइट क्लिक से, तो ये छोटा बड़ा होगा, और
लेफ्ट क्लिक से ये रोटेट होगा। हाँ जी ठीक है, अब ये देखें ये कर रहा है इसको ग्रैब, सही तरह नहीं कर रहा। हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेंजेंट रैप से आके इसको कर देंगे यू वी। आप सही हो गए, सेम ब्रांडिंग हो गई है। कौन सा कलर? तो ये ब्लू कर दो इसे यहाँ से उठा के। हम अल्फा लाए किस लिए? अल्फा में आप कोई भी कलर डाल सकते हो, अल्फा का यही तो बेनिफिट है। ठीक है जी, बन जाएगा आप। ठीक है, शॉर्ट बनाना है।